सुनाम च SBI बैंक वालों वातावरण दिवस मनाया गया है। इस मौके बैंक अधिकारियों ने सरकारी प्रायमरी स्कूल च बूटे लगाए ते लोगों नूं वातावरण की सांभ संभाल का संदेश दिता। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि सानू अपने वातावरण नूं सांभण की लोड़ है तां जो साडी आने वाली पीढ़ी भी साह लै सके। दिलीप कुमार ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਬੁੱਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਹਲੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨੇ सर मैं सबसे पहले जो है प्रिंसिपल साहब का जो हमारे स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया। बाकी प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, मैं केवल एक लाइन में जो है सो जवाब देना चाहूँगा। बड़े पुराने फिल्म का गीत है सर कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। शिकायत जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है सर, जितनी शिकायत करें उतना हमें जो है सो हौसला मिलेगा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। ठीक है, आप लोगों के शिकायत का वेलकम है, हम इसको शिकायत नहीं मानते, हम सुझाव मानते हैं सर, और कोशिश करेंगे कि हर संभव जो है सो इनके एक्सपेक्टेशन पे उतरें। बाकी स्कीम जो है सर वो एकदम से ब्रीफ में अभी बताया जाएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम सचिन कौशिक है। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ SBI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ। हमारा एक्चुअली हमारे बैंक का आज 66 जो है बैंक डे है, उसके उपलक्ष्य पे हमने इस स्कूल में सर को हमने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का अवसर दिया जाए, जिनके लिए हम बहुत इनका आभारी हैं कि इन्होंने हमें ये अवसर दिया। तो हमने ट्री प्लांटेशन का कुछ प्रोग्राम किया है। अभी हम सारे स्टाफ को जो हमारी बैंक की स्कीम्स हैं बेसिकली, क्योंकि सरकारी बैंक है तो ऑलमोस्ट जो सारी स्कीम्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होती हैं, तो कुछ सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, जिसके बारे में जो स्टाफ है लोगों को नहीं पता। बेसिकली क्या है कि आप लोग ये जो स्कूल में हम ये हमारा जो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि टीचर्स जो हैं बेसिकली वो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं, तो अगर हम इनको गाइड कर पाएंगे तो फर्दर पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड कर पाएंगे, तो वो हमारा जो कहते हैं कि हमारा डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इनको बताएंगे तो वो आगे ट्रैवल करेगी। एक एक बंदे से वो बात 10 लोगों को 20 लोगों को 100 लोगों को ट्रैवल करेगी, तो हम इसलिए यहाँ पे आज इसलिए आए हैं। और हम कुछ अभी अपने बैंक की स्कीम्स हैं जैसे सुकन्या समृद्धि है, PPF अकाउंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसके बारे में हम सारा इन्फॉर्मेशन हम स्टाफ को देंगे, जिससे आगे इस सारी इन्फॉर्मेशन को आगे बच्चों को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको दे सकें। देखिए बच्चों के लिए सबसे बेसिक तो यही है कि हमारा जो हमारे बैंक में कहते हैं टाइनी अकाउंट कहते हैं, वो टाइनी अकाउंट में बेसिकली क्या है, वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, आप बच्चा उसके अंदर अकाउंट खोल सकता है। उसमें भी बच्चे के दो तरह, ये तो जैसे इसमें बच्चों का जो इतनी भी वो आती है वजीफा वगैरह आता है उसके अंदर आ सकता है। बाकी बच्चों के लिए हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे 10 साल से नीचे बच्चा है वो अंडर गार्डन अकाउंट खुल जाता है पेरेंट्स के साथ, उसका मदर या फादर के साथ खुल सकता है। दूसरा जो होता है 10 साल से ऊपर अगर बच्चे की एज है तो हम उसको भी अलाउ करते हैं कि वो अपने जो बच्चा है वो अपने आप अपने उस अकाउंट को ऑपरेट कर सके। उसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे अप टू 10,000 वो कुछ निकाल सकता है। उससे क्या होता है बच्चे को बैंकिंग के बारे में पता चलेगा, पैसे जोड़ने के बारे में पता चलेगा, बचत के बारे में पता चलेगा, तो ये तरह के हमारे अकाउंट्स हैं। बाकी हैंडीकैप्स के लिए बेसिकली क्या है कि जो सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, मुद्रा योजना है और स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम है, उसमें अगर कोई अगर व्यक्ति जो हैंडीकैप है वो अगर कुछ अपना कोई काम करना चाहता है तो हम बैंक उसको लोन देकर, तरह तरह की स्कीम है। मुद्रा योजना में भी शिशु है 50,000 तक है, फिर 2 लाख तक है, फिर 10 लाख तक है। उसमें जो जो लोन लेने आएगा उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देने की ज़रूरत है, बैंक को कोई उसके कोई सिक्योरिटी देने रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोन देंगे उसको, अगर वो काम करना चाहता है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। सर मैं बता रही हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि दो टाइप के अकाउंट खुलते हैं बच्चों के, एक बिलो 10 वाले और एक बिलो अबव 10 वाले। तो जो 10 साल से कम के बच्चे का अकाउंट खुलवाना है उसमें पेरेंट के ही साइन चलेंगे, पेरेंट ने चाहे फादर हैं चाहे मदर हैं, कोई भी अपना आईडी प्रूफ बच्चे का भी लगेगा। और बच्चे के प्रूफ पे सर डेट ऑफ बर्थ क्लियर होनी चाहिए, पीछे कुछ अकाउंट्स कैंसिल हुए हैं हमारी तरफ से सिर्फ इस रीज़न से, उस पर क्या लिखा होता है 2001 सर हम अकाउंट खोल के दे देंगे आपको, लेकिन वो बैक एंड से एक्टिव ही नहीं होगा तो आपका काम तो वहीं रह गया ना। तो प्लीज़ आप जो भी भेज रहे हो पहले उसका आधार कार्ड ठीक करवाइए,
प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। 10 साल से कम वाले बच्चों में ये साथ में पेरेंट का लगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, और फोटोज़ वगैरह जो हम बेसिकली बताते हैं कि दो दो फोटोज़ होनी चाहिए, बच्चे की भी पेरेंट की भी, आधार कार्ड की कॉपी दोनों की होनी चाहिए, दैट्स इट। अब आता है अबव टेन में आधार कार्ड तो बच्चे का ही लगेगा, लेकिन पेरेंट का भी लगता है, एक फॉर्म 60 साइन करते हैं जो कहते हैं टैक्स लाइबिलिटी कौन पूरी करेगा, माइनर कभी टैक्स लाइबिलिटी पूरी नहीं कर सकता इवन इफ ही और शी हैज़ पैन कार्ड। तो बिलो अबव टेन वालों में पेरेंट का भी लगेगा आधार कार्ड, वो सिर्फ साइन एक बार करेगा, अदरवाइज साइनिंग अथॉरिटी हमेशा माइनर की रहेगी। तो आप प्लीज़ जब अकाउंट भेजते हैं तो आप चाहे हमसे फॉर्म्स ले लीजिए, लेकिन ये चीज़ मैम प्लीज़ पहले ही देख के भेजिए, बिकॉज सही बात आपकी, वो लोग लेबरर हैं, वो पूरा दिन अपनी एक दिहाड़ी खराब करके आते हैं, हम भी मजबूर हैं बिकॉज हम भी एम्प्लॉयज़ ही हैं। हमारे यहाँ पे हमने अकाउंट खोल दिया, उन्होंने पूरा दिन लगाया, हमने अकाउंट खोल के भेज दिया, 15 दिन तक वो वहाँ पे पेंडिंग ही शो करता रहेगा, आखिरकार उनको अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा, तो हम तो फिर जीरो लेवल पे आ गए ना। तो दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने आपको शेयर कर दी हैं, आप जो भी अकाउंट खोलने के लिए भेजते हैं। ब्रांच मैनेजर श्री दिलीप कुमार जी और नाल असिस्टेंट मैनेजर नाम तो पंजाब 9 लाई यादविंदर लाली की रिपोर्ट।